I love all my girl subscribers. Love as in वो जो friendly वाला होता है ना वो वाला. तो आज का वीडियो है हमारे प्रिपरेशन का, जिसमें हम लोग हमारी नेक्स्ट लॉन्ग राइड के बारे में आपको बताएंगे. कहाँ जा रहे हैं बताओ सबको? हम लोग जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहाँ पे खड़े हैं मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारा इंतजार कर रहे हैं कब से वहाँ पे. आप जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक हम लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके होंगे. तो अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे जाओ kinda.silly पे और जाके वहाँ पे हमारी लाइव स्टोरीज भी आप देख सकते हो जो हम लोग वहाँ पहुँच के बनाने वाले हैं. तो शबिता ने एक लिस्ट बनाई है प्रॉपर, जिसमें बिफोर द राइड एंड ऑन द डे ऑफ राइड शबिता ने कुछ पॉइंट्स मुझे बताए हैं और मुझे वो सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद ही शबिता चली. सो फर्स्ट ताकि हम लोग 8 घंटे बाद उठाना अभी नहीं जाने के पहले, ताकि बीच रास्ते में हम लोग ट्रेन ना हो जाए. सेकेंड इज सर्विस योर बाइक तो मेरी सर्विस है, मैंने अराउंड 300 किलोमीटर पहले ही सर्विस कराया है, तो मेरी बाइक टिप से लेके टॉप तक. देन फ्यूल, फ्यूल मैंने भरा लिया, फ्लैशबैक है बाइक की फ्यूल. रिटर्न ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर है मेरे घर से. सो मैंने आज तक फुल फ्यूल ओके. द फोर्थ वन इज चेक ऑल योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा जरूरी है डॉक्यूमेंट्स. तो डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास मेरी बाइक का आरसी बुक है, इंश्योरेंस मेरा वैलिड है टिल नेक्स्ट ईयर मार्च, और मेरे पास PUC भी है जो अक्टूबर तक है. मेरा आधार कार्ड और शबिस्ता का आधार कार्ड तो हम लोग कैरी करेंगे फॉर एनी रीज़न, अगर कभी कहीं कुछ दिखाना पड़े तो. सो मेक श्योर कि अगर आप लोग भी कहीं लॉन्ग राइड पे जा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो यू हैव ऑल दिस डॉक्यूमेंट विथ यू. चार्ज योर सेल फोन 100% लेट्स से 100 टाइम्स Before the day you have a look on the directions. हाँ, गूगल मैप पे एक बार वो रास्ता देख लो के कहीं आपको अगर स्टॉप लेना है तो कहाँ लेना है, क्या करना है. तो ये सब था जो हमें एक्चुअली ये मैकडोनल्ड्स या ऐसी कोई जगह होना तो ये बहुत बड़ा इशू होता है. हम लोगों को हमेशा रुक जाना पड़ता है जब राइडिंग गियर्स, हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, ग्लासेस, जो भी चाहिए. तो आई डोंट थिंक राइडिंग जैकेट पहनने की ज़रूरत है बिकॉज इतनी गर्मी है, तो वील वेयर समथिंग जो थोड़ा हवा जाए अंदर. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज एनर्जी बार्स, यू कैन हैव चॉकलेट बार जैसे स्नीकर्स है या कुछ है तो वो ले सकते हैं. प्रोटीन बार्स भी मिलते हैं, काफ़ी लोग वो खाना प्रेफर करते हैं. वी प्रीफर स्नीकर्स बिकॉज इट इज टेस्टी एंड चॉकलेट है वो, तो वी वुड लाइक चॉकलेट, इसलिए हम लोग स्नीकर्स ले रहे हैं. टूल बॉक्स अगर रिक्वायर्ड है, बीच में कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो
एक छोटा टूल बॉक्स होना चाहिए। कभी अगर आपकी गाड़ी टायर का कभी आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और काफ़ी दूर है तो आप यू नो टायर खोल के टायर लेके जा सकते हो, ज़्यादा देर कोई बाइक खींच के लेके जाना होगा रिटर्न लेके आना। नेक्स्ट इज बहुत रिलेटेड मेडिसिन, अगर आप रोज़ खा रहे हो या कोई डेली डोजेज है तो वो प्लीज़ कैरी करो अपने साथ। यू नो काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है या साइनस का प्रॉब्लम होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अगर आप लोग ऐसा जा रहे हो कहीं लॉन्ग राइड पर तो यू मेक श्योर डेट यू कैरी ऑल दोज मेडिसिन विथ यू। क्या पता रास्ते में आपको मेडिकल मिले या ना मिले, और अगर मिले भी तो आपकी पर्टिकुलर मेडिसिन आपको मिलेगी या नहीं। आई डू कैरी, देखो है थोड़ा बहुत सब। इसका हैड अ लिटिल बिट ऑफ हेड प्रॉब्लम, थोड़ा इसका सर मैंने इतना दुखा दिया है कि ये कुछ प्रिपरेशंस है जो आप लोग भी यू नो दिमाग में अपने रख सकते हो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ राइड। तो मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए दिस वॉज अ स्मॉल शॉर्ट वीडियो। तो आप लोगों को भी अगर जाना है तो यू गाइस जाना है लॉन्ग राइड पे, होम वोम रखो लड़की लोग, मेकअप का सामान सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है तो तुमको ऐड करना चाहिए था ना, ऐसा थोड़ी होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। जो लड़कियां हैं सब्सक्राइबर वो लोग बोलेंगे हमारा तो कुछ ध्यान ही नहीं रखा तुमने, गर्ल्स प्लीज मेक श्योर यू टेक योर मेकअप। मैं बोल रहा हूँ ये नहीं बोलेंगी तो भी मैं बता रहा हूँ बिकॉज आई लव ऑल माई गर्ल सब्सक्राइबर्स, मतलब लव 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 एज इन वो जो फ्रेंडली वाला होता है ना वो वाला, वो लव लव नहीं, वो लव लव तो इधर है खाली। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू बाय।